2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे पांच राज्यों में चुनावों का शोर थम चुका है। नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार का गठन भी हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों का चुनावी शोर थमने के साथ ही अब फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत की पिच तैयार होने लगी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटल दल भी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है और इस बैठक में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। बैठक के लिए दिल्ली में विपक्षी नेताओं की जुटान भी शुरू हो गई है। विपक्ष की इस बैठक में चुनौतियां गई हैं, लेकिन उन चुनौतियों से इतर विपक्षी एकजुटता की कवायद के कर्णधार नीतीश कुमार भी खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव के लिए विपक्ष के अभियान का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को चुना है। वाराणसी में नीतीश की रैली 24 दिसंबर को होनी थी, जो अब रद्द हो चुकी है। नीतीश जनवरी में झारखंड में भी रैली करने वाले हैं। वाराणसी रैली भले ही रद्द हो गई हो, यूपी और झारखंड में बिहार के सीएम की रैली के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार की रैली भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन इसे नीतीश कुमार की ओर से खुद को पीएम मोदी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की एक इमेज पटेल बिरादरी की पार्टी वाली भी है। नीतीश कुमार खुद भी इस जाति से आते हैं। नीतीश की रैली वाराणसी में जिस जगह होनी थी वो भी पटेल बाहुल्य इलाका है। नीतीश की रैली जगतपुर में होनी थी, जो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, और रोहनिया सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी विधायक रह चुकी हैं। अब नीतीश की सियासी मंशा को लेकर बात हो रही है। दरअसल वाराणसी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली जैसे जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्वी यूपी और बिहार का संबंध न केवल रोटी बेटी का है, एक दूसरी जगह सियासी हलचल का इम्पैक्ट भी दूसरी जगह महसूस किया जाता है। बीजेपी की पीएम मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की रणनीति के पीछे भी इस फैक्टर को अहम बताया गया था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे पांच राज्यों में चुनावों का शोर थम चुका है। नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार का गठन भी हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों का चुनावी शोर थमने के साथ ही अब फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत की पिच तैयार होने लगी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटल दल भी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है और इस बैठक में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। बैठक के लिए दिल्ली में विपक्षी नेताओं की जुटान भी शुरू हो गई है। विपक्ष की इस बैठक में चुनौतियां गई हैं, लेकिन उन चुनौतियों से इतर विपक्षी एकजुटता की कवायद के कर्णधार नीतीश कुमार भी खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव के लिए विपक्ष के अभियान का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को चुना है। वाराणसी में नीतीश की रैली 24 दिसंबर को होनी थी, जो अब रद्द हो चुकी है। नीतीश जनवरी में झारखंड में भी रैली करने वाले हैं। वाराणसी रैली भले ही रद्द हो गई हो, यूपी और झारखंड में बिहार के सीएम की रैली के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार की रैली भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन इसे नीतीश कुमार की ओर से खुद को पीएम मोदी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की एक इमेज पटेल बिरादरी की पार्टी वाली भी है। नीतीश कुमार खुद भी इस जाति से आते हैं। नीतीश की रैली वाराणसी में जिस जगह होनी थी वो भी पटेल बाहुल्य इलाका है। नीतीश की रैली जगतपुर में होनी थी, जो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, और रोहनिया सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी विधायक रह चुकी हैं। अब नीतीश की सियासी मंशा को लेकर बात हो रही है। दरअसल वाराणसी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली जैसे जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्वी यूपी और बिहार का संबंध न केवल रोटी बेटी का है, एक दूसरी जगह सियासी हलचल का इम्पैक्ट भी दूसरी जगह महसूस किया जाता है। बीजेपी की पीएम मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की रणनीति के पीछे भी इस फैक्टर को अहम बताया गया था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।